घुमारवी में आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी तथा प्रसिद्ध समाजसेवी राकेश चोपड़ा ने कहा कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। प्रदेश की जनता दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की कार्यशैली से परेशान है। उन्होंने कहा कि घुमारवी में मौजूदा मंत्री की कार्यशैली भ्रष्टाचार से अछूती रही है। अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए मंत्री ने नियमों को ताक पर रखा और जब अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है तो धन बल के दम पर जनता को भ्रमित करने पर तुले हैं। राकेश चोपड़ा ने कहा कि घुमारवी की हर पंचायत और गांव में ग्रामीण आम आदमी पार्टी की नीतियों को दिल खोलकर समर्थन दे रहे हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। आप प्रत्याशी राकेश चोपड़ा ने कहा कि करोड़ों की लागत से बना सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स, जहां पर दर्जनों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होना था, उसे कोड़ियों के रेंट पर अपने भाजपा पदाधिकारियों को देकर बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। सड़कों के नाम पर करोड़ों का लाभ अपने चहेते ठेकेदार को देकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वे आम आदमी पार्टी की हितेशी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव का पूरा मन बना चुकी है तथा घुमारवी में आम आदमी पार्टी का झाड़ू भ्रष्टाचार और बेईमानी का सफाया कर स्वच्छ एवं पारदर्शी सरकार का गठन के लिए तैयार है। मुझे घुमारवी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका आम आदमी पार्टी से मिला है। पिछले काफ़ी समय से मैं लोगों के बीच में हूं। इस चुनावी दौर में वैसे भी मैं लोगों के बीच में ही रहता हूं। जहां जहां मैं जा रहा हूं, लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोग उससे दुखी होकर के, दोनों पार्टियों से जो है वो दुखी हैं और लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ जाहिर हो रहा है। लग रहा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और मुझे घुमारवी से लोग आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में यहां से भेजेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी किसान और बागवान हैं, आज वो खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोट हटवाड़ से लेकर के अवारी बकरोवा तक हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र के अंदर जो है वो बेसहारा पशुओं का जो है कि वजह से लोग फसल नहीं कर पा रहे हैं। मैं लोगों को ये विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मुझे यहां से विधायक बनाकर लोग भेजेंगे। 3 महीने के अंदर मेरा प्राथमिकता के आधार पर गऊओं को, हमारे जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशालाओं में भेजने का मेरा प्रयास रहेगा।